अमेरिकी ओपन टेनिस वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम और इसी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में आज से आमने सामने होंगे टेनिस के कई रन बांकुरे। इनमें कई बहुत जाने माने चेहरे, मसलन दूसरी वरीयता प्राप्त आंद्रे अगासी, छठी वरीयता प्राप्त पैट्रिक राफ्टर और दसवीं वरीयता प्राप्त पीट सैंप्रस के साथ साथ कई नए चेहरे भी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। जहां दो बार चैंपियन रह चुके और इस वर्ष के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन अमेरिका के आंद्रे अगासी की नजरें एक और ग्रैंड स्लैम पर होंगी, वहीं 13 एकल ग्रैंड स्लैम जीत चुके अमेरिका के ही पीट सैंप्रस एक बार फिर जीत का स्वाद चखना चाहेंगे। पैट्रिक राफ्टर विंबलडन की हालिया पराजय को जीत में बदलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वैसे शीर्ष वरीयता प्राप्त गुस्ताबो क्वेर्टन की भी दावेदारी काफी मजबूत है। गत विजेता रूस के मराद सफीन कप को लगातार दूसरी बार जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। महिला वर्ग में स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस को लगातार चौथे वर्ष शीर्ष वरीयता दी गई है। हिंगिस 1999 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद पहला ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए जीत तोड़ कोशिश कर रही है। हिंगिस ने अब तक केवल एक बार 1997 में यूएस ओपन का खिताब जीता है और दो बार उप विजेता रही। इस वर्ष की ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन चैंपियन अमेरिका की जेनिफर कैप्रियाती को दूसरी वरीयता दी गई है, जबकि 1998 की चैंपियन और पिछले वर्ष की उप विजेता अमेरिका की ही लिंडसे डेवनपोर्ट को तीसरी वरीयता दी गई है। गत वर्ष की विजेता अमेरिका की वीनस विलियम्स वरीयता सूची में चौथे स्थान पर है, जबकि उनकी छोटी बहन सेरेना विलियम्स को दसवीं वरीयता दी गई है। और तलब है कि इस बार भी इस संग्राम में कुछ प्रमुख खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे, जिनमें अन्ना कोर्निकोवा और फ्रांस की मेरी पियर्स प्रमुख हैं।